ये है बंगाल के रहने वाले करीमुल हक। वैसे तो हमारे लिए ये एक आम आदमी है, पर बंगाल दरबारी और उसके आसपास के लगभग 20 गांव वालों के लिए ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लोग उन्हें एम्बुलेंस दादा बुलाते हैं। सन 1995 में एम्बुलेंस और किसी अन्य तरह की मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण करीमुल ने अपनी माँ को खो दिया। ऐसी घटनाएं किसी और के साथ ना हो, इसलिए करीमुल ने अपने बाइक को एक एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और अभी तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को अपनी सेवा दे चुके हैं और इस सेवा के लिए करीमुल 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते हैं। इन पर जर्नलिस्ट विश्वजीत झा ने बाइक एम्बुलेंस दादा नाम से एक बुक भी लिखी है। 2017 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। सलाम है ऐसे लोगों को जो इंसानियत और लोगों की भलाई के लिए बिना किसी अपने लालच और लालसा के अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं।